भारत देश आज 78वां आजादी दिवस मना रहा है, वो भी हर्षोल्लास के साथ। ये 78 साल कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हम हर साल आजादी दिवस पर टीवी ऑन करते हैं और लाल किले की परेड देखते हैं चाय की चुस्कियों के साथ। क्योंकि सरहद पर कोई तैनात है, कोई देश की रक्षा कर रहा है, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि वो कर्तव्य निभा रहे हैं। ब्रिटिश हुकूमत से वो लड़ाई उतनी ही भयानक थी जितनी सुंदर हमें आज ये आजादी और खुला आसमान लगता है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिशों के खिलाफ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिकों के रोष के चलते हुआ। 1857 से शुरू हुआ ये संग्राम 1947 में जाकर रुका। इस बीच जितने भी प्रयास हुए उनमें स्वतंत्रता का सपना सजोए क्रांतिकारियों और शहीदों का होना अपने आप में प्रेरणादायक था। यही कारण है कि क्रांति के इस पूरे कालचक्र को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दरअसल 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहले सिपाहियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई को जन्म दिया। ये सैनिक उन लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा बने जो अपने ही मुल्क में आजादी से कोसों दूर एक मजबूरी भरा जीवन जी रहे थे। उस दिन उन सभी के मन में आशा की किरण पैदा हुई। आजाद हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है किस आजादी में कई ऐसे आंदोलन हैं जिनका अहम रोल रहता है? चलिए अब आपको बताते हैं। 1857 में पहला स्वतंत्रता आंदोलन, यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत की नींव डगमगाना शुरू हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की पोल खुलना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होने लगा और सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार का राज। इस आंदोलन को असफल कहना उतना ही गलत होगा जितना कि ब्रिटिश राज में आजाद भारत की सोच रखना। सवाल जायज है कि आंदोलन सफल होता तो देश 1947 नहीं बल्कि 1857 में ही आजाद हो चुका होता। इस आंदोलन की बदौलत काफी कुछ बदला। दरअसल आजादी में देरी का कारण ये था कि जिन सिपाहियों ने क्रांति का बीड़ा उठाया उनका ना तो कोई नेता था ना ही कोई विजन। 1885 में कांग्रेस का गठन। ब्रिटिश भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आया जिसे आज भी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। 1885 में इस संगठन का उदय हुआ। कांग्रेस का विजन, इस संगठन का एक ही लक्ष्य था और वो था एक ऐसा मंच तैयार करना जिसके जरिए शिक्षित देशवासियों की बड़ी राजनीतिक भूमिका सुरक्षित करने की खातिर चर्चा हो सके। भारतीयों और ब्रिटिश राज के बीच नागरिक और राजनीतिक चर्चा होना बेहद जरूरी था। ये एक ऐसा पुल था जो भारतीयों और अंग्रेज शासकों के बीच विचारों को साझा कर सके। कांग्रेस के प्रमुख नायक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी, जब देश अंग्रेजों की हुकूमत से जूझ रहा था तब महात्मा गांधी ने अहिंसा की राह अपनाई और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। 1919 से 1948 तक भारतीय राजनीतिक मंच पर विराजमान रहे और इस युग को गांधी युग भी कहा जाने लगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी ने
बखूबी किया और कहीं ना कहीं देश को आजादी की दहलीज पर ले जाने का काम भी किया। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रमुख नेता थे और महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिनके स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रभक्ति के संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों से भारत माँ की रक्षा के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे दिए, जो आज भी हिंदुस्तानियों के दिलों में गाढ़े अक्षरों में अंकित हैं। इसी के साथ दिल्ली चलो उनके दृढ़ संकल्प का एक महान संकेतक नारा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा अखंड भारत का सपना देखा और देश की आजादी में बेहद खास भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और भारत लौटने के बाद वकालत शुरू कर दी। बाद में महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना कदम रखा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आसान शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस, जो ब्रिटिश राज में मध्यम सुधार पर केंद्रित थी। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। उनका उद्देश्य भारतीय शैली को बढ़ावा देना और ब्रिटिश हुकूमत को धीरे धीरे खत्म करना था, जिसमें उन्हें सामाजिक वर्गों के एक बड़े वर्ग का समर्थन मिला। 1920 और 1930 के दशक में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के तहत अहिंसा को बढ़ावा दिया। समझौता लखनवी 1916 में लखनऊ में समझौता हुआ। दरअसल ये समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। इस समझौते में मोहम्मद अली जिन्ना की खास भूमिका बताई जाती है। मोहम्मद जिन्ना समय कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग के सदस्य थे और दोनों पार्टियों को एकमत करने पर जोर दे रहे थे। फिर शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। 1920 के भारत का ये अहम चरण था। इसमें शामिल भारतीयों ने ब्रिटिश सामान को खरीदने से इनकार कर दिया था। भारत में बनी हस्तकलाओं के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी के इस आंदोलन में शराब की दुकानों के खिलाफ धरने दिए गए और लोगों के भीतर स्वदेशी मूल्य की भावना जगाने का काम किया गया। टूटने लगा ब्रिटिश शासन, कमजोर पड़ गया अंग्रेजों का साम्राज्य। फिर आया में आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेजों से तत्काल भारत छोड़ने की मांग उठाई जाने लगी। बौखलाहट के मारे अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। तो वहीं महात्मा गांधी ने इस दौरान अनेकों सत्याग्रह भी चलाए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की प्रेरणा लोगों के अंदर जगाई। कहीं हिंसा, कहीं अहिंसा। और चलिए अब आपको बताते हैं गांधी जी का अहिंसा पाठ, जिसके चलते अंग्रेजों के नाक में दम हो गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तिकड़ी को कौन नहीं जानता, लेकिन एक और नाम है जिसे इन तीनों के साथ याद किया जाता है और वो है चंद्रशेखर आजाद। ये वो चेहरे हैं जिन्हें आजादी की बलि के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हंसते हंसते अपनी जान वतन के नाम कर दी। और आलम ये रहा कि एक दिन देश आजादी की दहलीज पर आन खड़ा हुआ। भारत के करोड़ों लोगों की आजादी का श्रेय इन सभी क्रांतिकारियों को जाता है। भगत सिंह, भारत की आजादी की लड़ाई बहुत लंबी थी और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भगत सिंह उन असाधारण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जो एक उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानी थे।
जो अपनी बहादुरी और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हमेशा याद किए जाते हैं, जिनका नाम आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। शहीद आजम भगत सिंह को उनकी असाधारण वीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए किया था। भारत साक्षी है उस पल का जब स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते भगत सिंह को महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। इतनी कम उम्र में भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए अपनी जान देना, ये उस आजादी के जुनून को खास तौर पर दर्शाता है। राजगुरु और सुखदेव। आजादी में शहीद हुए योद्धाओं में शुमार शिवराम हरी राजगुरु और सुखदेव दोनों ही भगत सिंह के साथ ही फांसी के तख्ते पर मौजूद थे। इन दोनों महान क्रांतिकारियों के बगैर भगत सिंह का नाम अधूरा है, क्योंकि इनका योगदान भी भगत सिंह से किसी भी मायने में कमतर नहीं था। तीनों की विचारधारा एक थी, इसलिए तीनों ही मित्र थे। बेहद सुदृढ़ और मजबूत मित्रता इन तीनों में थी। राजगुरु छत्रपति शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक थे और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से भी काफी प्रभावित थे। अच्छे निशानेबाज रहे राजगुरु का रुझान जीवन के शुरुआती दिनों से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ चला गया था, तो वहीं सुखदेव ने भी बचपन से ही ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों को देखा, जिसके चलते वो भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्रांतिकारी बन गए। सुखदेव खुद तो देशभक्त थे ही, इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के मन में भी देशभक्ति की भावना को भरने का काम बखूबी किया। चंद्रशेखर आजाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आजाद 1920-21 के सालों में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। और दिलचस्प बात तो ये है कि जब एक बार उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें कोर्ट में जज के सामने पेश किया गया, तो उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान जेल बताया, जिसके बदले उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने बुलंद आवाज में वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का नारा दिया। बताते चलें कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ ही चंद्रशेखर आजाद भी काम करते थे, लेकिन आजादी की यह खुशी एक नितांत दुख साथ लाई। कौन सा दुख? जब एक अभिन्न अंग अलग होने वाला था। चलिए इसका भी जिक्र कर लेते हैं। आजादी से पहले क्या बोले महात्मा गांधी? कल से हम अंग्रेजी राज से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आज आधी रात को भारत के टुकड़े भी होने वाले हैं। कल का दिन आनंद का होगा, लेकिन उतने ही दुख का भी होगा। यह आजादी हम सबको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। हमें अपना विवेक और भाईचारा नहीं छोड़ना है। अगर इस विवेक और भाईचारे की रक्षा कलकत्ता में हो गई, तो समझ लीजिए कि सारे देश में हो गई। कलकत्ता के उदाहरण से सारे देश की मानवता जाग जाएगी। कल स्वतंत्रता दिवस पर मैं उपवास रखूंगा, भारत के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा, चरखा काटूंगा। आप लोग भी इसमें मेरा साथ दें, उपवास रखें, प्रार्थना करें, चरखा काटें। 14 अगस्त की रात हर किसी को याद है, क्योंकि कलकत्ता में जो प्रार्थना सभा हुई थी वो महात्मा गांधी की आखिरी प्रार्थना सभा थी। अखंड भारत के दो खंड। 3 जून 1947, ये वो दिन था जब हमारे मुल्क की आजादी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन आजादी के बदले चुकाने वाली कीमत भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान को अलग करने का सपना पूरा होने जा रहा था। 15 अगस्त की तारीख पर मोहर लगाई गई। 3 जून से 15 अगस्त के बीच ठीक 73 दिन बाकी थे, लेकिन ये बंटवारा जितना दुखदायी था उतना ही मुश्किल भी। जमीन का बंटवारा, कोमों का बंटवारा, दरियाओं का बंटवारा, भारत की संपत्ति का बंटवारा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की जो कहानी है वो देश के नाम से ही शुरू हुई थी, क्योंकि ये कहानी कहां से शुरू हुई, कहां पर खत्म होने वाली है, इसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। भारत से पाकिस्तान का जन 80-20 का बंटवारा। बंटवारे के दौरान धन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। आखिर में नतीजा ये निकला कि भारत के बैंकों का पैसा और अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% पाकिस्तान को दिया जाएगा, जिसके बदले पाकिस्तान भारत के कर्ज का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी
जल संपत्ति का 80% भारत और 20% हिस्सा पाकिस्तान को देने का फैसला हुआ। बंटवारे में लोग लड़ाई करने पर उतर आए। दिलचस्प बात तो ये है कि शराब को लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई और सारी शराब भारत के खाते में आ गई। हालांकि इसके बदले कुछ पैसा पाकिस्तान को जाता था। बंटवारे की पूरी प्रक्रिया से भारत के गुप्तचर विभाग को अलग रखा गया, ना ही इसमें बंटवारे की कोई गुंजाइश रखी गई। एक नया मुल्क पाकिस्तान, नए मुल्क को नई करेंसी की जरूरत थी, जबकि भारत ने प्रेस को साझा करने से इनकार कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान ने कुछ समय तक भारतीय नोटों पर मोहर लगाकर अपना काम चलाया। बंटवारे की नीयत इस कदर फैली हुई थी कि कुछ मुसलमान ताजमहल को आधा तोड़कर पाकिस्तान ले जाने को तैयार थे, वहीं दूसरी ओर हिंदू किसी कीमत पर सिंधु नदी को साझा नहीं करना चाहते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद एक और बंटवारा था, जिसमें भारत के हिंदू, मुस्लिम और सिख सैनिकों को भी भारत और पाकिस्तान के बीच बट जाना पड़ा। भारत की सेना में 2/3 सैनिक बचे, जबकि 1/3 सैनिक पाकिस्तान को दे दिए गए। बाकी सभी चीजों की तरह इन वीरों का बंटवारा भी तय था। इसमें बहुत से वीर ऐसे थे जो पाकिस्तान चले गए, तो कुछ ऐसे भी फिर कभी भारत लौटकर अपने घर परिवार को देख नहीं सके। 77 साल बाद भी दर्द बरकरार। दोनों मुल्कों का इतिहास एक है, सांस्कृतिक विरासत भी एक है, फिर भी दोनों के बीच अटूट अविश्वास आज भी जिंदा है। कड़वाहट इतनी कि दोनों के बीच 3 बार जंग हो चुकी है। भारत पाक का मकसद। पाकिस्तान बनने का मकसद मुसलमानों की कई चिंताओं को दूर करना था, जिनमें से एक थी कि वो आजाद भारत में हिंदुओं के बहुमत की वजह से नुकसान में रहेंगे। बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में बेगाना बना दिया। उन्हें अपना घर बार छोड़कर नए मुल्क जाना पड़ा, जो इंसानों की सबसे बड़ी अदला बदली थी। बंटवारे का वो जख्म आज तक नहीं भरा। हिंसा के लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही किसी को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि अब दोनों मुल्क अपनी अपनी हिस्सेदारियों के साथ खुश हैं और हालात पूरी तरह से स्थिर भी हैं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। भारी नुकसान उठाना तो पड़ा, लेकिन आजादी भी मिल गई। कोई भारत तो कोई पाकिस्तान में अपनी आजादी की खुशी मनाने लगा। भारत देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं। 78वां आजादी दिवस हम मना रहे हैं। आज हम आजाद हैं, आप आजाद हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि ये नायाब तोहफा है आपके लिए और हमारे लिए। इसलिए हरियाणा न्यूज के परिवार की तरफ से आप सभी को आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही आपकी खुशी बरकरार रहेगी।